उत्तर प्रदेश के हरदोई के बिलग्राम कस्बे के कासूपेट मोहल्ला स्थित मदरसे के शिक्षक को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद से पूरा मोहल्ला सील कर दिया गया है। ड्रोन कैमरों से पूरे नगर की निगरानी की जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हालातों पर नजर बनाए रहे हैं। WHO की टीम की मौजूदगी में पूरे कस्बे के 19 मोहल्लों और 5769 घरों के करीब 36,000 लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मदरसे का शिक्षक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर वह भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। शुक्रवार को रिपोर्ट आने के बाद ही उसे सीतापुर के खैराबाद भेज दिया गया। मदरसा समेत पूरा मोहल्ला सैनिटाइज करवाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, SDM कपिल देव, CO सहित सभी अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लेते रहे। CSC अधीक्षक डॉक्टर विनीत तिवारी ने बताया कि WHO के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर छोटे लाल के नेतृत्व में टीम आई है। उनके साथ ही बिलग्राम के साथ ही सांडी, माधोगंज और हरपालपुर CSC के भी कर्मचारियों को लगाकर कुल 61 टीमें लगाई गई है, जो कि 5769 घरों के करीब 36,000 लोगों का प्रशिक्षण करेंगी। थर्मल स्कैनिंग के लिए भी 14 टीम लगी हुई है। बिलग्राम कस्बा 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। कई मोहल्लों में तो लोग खुद बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए आगे आए, वहीं पूरे कस्बे में सन्नाटा रहा। चौराहा, बस स्टॉप पर नगर से निकलने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि कस्बे को 3 दिन के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन समेत अन्य काम हो रहे हैं। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। जी हाँ, बिलग्राम कस्बे को पूरा 100% लॉकडाउन करके सैनिटाइज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी वजह से पूरे बिलग्राम सर्किल को आदेशानुसार श्रीमान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारा बिलग्राम क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत न आए। इस पर पूरा बिलग्राम वासी और पुलिस आपस में बिल्कुल इस निर्देश का पालन करा रहे हैं और जनता भी इसमें सहयोग कर रही है। कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायत नहीं। और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। जी हाँ, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है कि कोई भी इस तरीके का भीड़ भाड़ या कोई भी ऐसी जगह कोई एकत्रित तो नहीं हो रहे हैं। इस पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है। बिलग्राम के कासूपेट मोहल्ले में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में एक व्यक्ति जो मस्जिद में रहता था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो जिन लोगों से मिला जुला था उनकी हिस्ट्री के आधार पर 24 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं और उनका जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। वहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और घर घर मेडिकल टीम भेज करके परीक्षण कराया जा रहा है और कंप्लीट लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.